बस्ती में तकनीक के इस्तेमाल से एक मासूम बच्ची की जान बच गई। शहर के आवास विकास कॉलोनी में 13 साल की निकिता ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। निकिता ने सूझबूझ से न केवल अपनी और मासूम की जान बचाई बल्कि तमाम बेटियों के लिए ऐसी मिसाल पेश की है कि आधुनिक डिवाइस का सटीक इस्तेमाल करके किसी भी चुनौती से पार किया जा सकता है। जो भी उनकी इस होशियारी भरी बातों को सुन रहा है वह दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। दरअसल आवास विकास कॉलोनी में पार्क के पास स्थित अपनी बहन के घर गई निकिता 15 महीने की भांजी वामिका को लेकर खेल रही थी। पहले मंजिले स्थित किचन के पास सोफे पर दोनों बैठे थे। घर के बाकी लोग दूसरे कमरे में थे। तभी एक बंदर घर के अंदर घुस गया। वह किचन में जाकर बर्तन और खाने पीने का सामान उठाकर फेंकने लगा। अचानक अपने पास में बंदर को उत्पात मचाता हुआ देख दोनों बच्चियां घबरा गई। 15 महीने की वामिका कुछ समझ नहीं पाई मगर डर के मां मां करके आवाज लगाने लगी। वहीं निकिता ने बहुत ही होशियारी दिखाई और डर का सामना किया। क्या कुछ कह रही है निकिता, आइए आपको सुनाते हैं। उस दिन कुछ गेस्ट लोग आए थे तो वो नीचे गेट बंद करना भूल गए। फिर उसी रास्ते से बंदर ऊपर आया और किचन में तबाही मचाने लगा। फिर बच्ची आई देखी तो वो डर के भागने लगी और मामा बुलाने लगी। फिर हम लोगों ने आके देखा तो बंदर किचन में खाना और बाकी सामान इधर उधर फेंक रहे थे। फिर हम भी डर गए। फिर मेरी नज़र एलेक्सा पे पड़ी। फिर मैंने एलेक्सा से बोला, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। फिर कुत्ते की आवाज सुनकर, अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? कुत्ते की आवाज सुनकर फिर बंदर एक एक करके डर के भागने लगे। फिर घर के परिजन आए थे क्या? मम्मी को लोग आए क्या? हाँ, फिर उसके बाद जीजू आए और फिर वो पूछने लगे। निकिता बताती हैं कि बंदर उन दोनों की तरफ कई बार दौड़ा, तभी उसकी नज़र फ्रिज पर पड़े एलेक्सा डिवाइस पर गई और मानो उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। उसने बोला, एलेक्सा डिवाइस कुत्ते की आवाज़ निकालो। वॉइस कमांड करते ही एलेक्सा कुत्ते की तरफ भौं भौं कर तेज आवाज़ निकालने लगा। इसी के साथ उनकी बहन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बंदर गुस्साए थे, बिटिया अकेली थी और छोटी बच्ची भी थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, हम लोग रूम में बैठे थे तो बंदर आए, तो नीचे गेट खुला हुआ था तो बंदर आ गए और बच्ची बोली कि मम्मा मम्मा बोल रही है, तो मुझे लगा कि होगा कुछ ऐसे ही। फिर जब मैंने आके देखा तो बंदर आके यहाँ इसको डरा रहा है। तब तक इनको निकिता को मैंने बुलाया तो निकिता का दिमाग थोड़ा चला, वो बोली कि एलेक्सा और बंदर की आवाज़ निकालो, कुत्ते की आवाज़ निकालो। तो तुरंत कुत्ते की आवाज़ निकाली एलेक्सा। तो उसके बाद बंदर सारे डर के भाग गए। तो वहीं हम आज के समय में तकनीक का गलत इस्तेमाल भी करते हैं तो सदुपयोग भी होता है। एक सदुपयोग का हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण है जहां एलेक्सा डिवाइस से हम गाने सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहां पे किस तरह से इसका उपयोग किया गया है, इसकी होशियारी का हम दाग दे रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी .com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।